एडवोकेट सत्य प्रकाश गौतम जी। थैंक यू गौतम जी, पहली बार लगा कि वकालत का फायदा हुआ है। पापा यहाँ होते तो खुश होते, क्योंकि पापा ने कहा था बेटा चपरासी बन जाए, एसएससी की नौकरी कर ले, पर वो छोड़ के वकालत की आप सभी के सामने। अभी विवेक सर ने एक बात कही थी, ईगल की थ्योरी बताई थी, सर आए थे नंदू सर, तो मेरी भी ईगल की थ्योरी में मार्क्स बन गया हूँ, बदल दिए, जो सीखता हूँ। द माइंड स्टोन ऑफ द इंडियन लीगल हिस्ट्री के जी बालाकृष्णन साहब, ही टोल्ड मी ईच एंड एवरीथिंग, वी आर सिटिंग हियर। एक दो शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि हम यहाँ हैं समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, अवार्ड लेने के लिए नहीं है। वकालत से पहले मुझे लगता था कि क्लाइंट की मुकदमा लड़े तो फीस मिलती है, आज पता लगा कि समाज का काम करते तो इज्जत भी मिलती है। सुशेंद्र की कविता सुना के मैं खत्म करता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज फिर इस मान्य से गंगा निकलनी चाहिए। अरे आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। और हर सड़क पे, हर गली, हर बोर्ड पे, हर राह में, हर सड़क पे, हर गली, हर बोर्ड पे, हर राह में हाथ हिलाते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग तो ये आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग तो ये आग जलनी चाहिए। जय भीम।